सीतापुर विधायक मंत्री बनने के बाद सीतापुर में प्रथम आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री अमरजीत भगत का ढोल नगाड़े और आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। बरसते पानी में भी कार्यकर्ताओं का जोश देखते बनता था। अंबिकापुर से लेकर सीतापुर तक जगह जगह स्वागत कार्यक्रम के चलते सीतापुर पहुंचने में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने थोड़ी देर तो की, लेकिन बरसते पानी में भी कांग्रेसी डटे रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उनका जीत के लिए आभार प्रकट किया और उनके खाद्य मंत्री बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत का श्रेय दिया। अंबिकापुर सीतापुर एनएच मार्ग अभी अभी चालू है, लेकिन काफ़ी स्लो चल रहा है और एक लेन कम से कम बरसात चालू होने से पहले, मतलब चालू तो हो ही गया है लेकिन तेज होने से पहले काम है। अभी जो एजेंसी काम कर रही है, जब से काम लिया है तब से उसमें प्रगति है और बहुत काम किया है। उनका कहना है कि बरसात में कहीं भी ट्रैफिक जाम होने नहीं देंगे, और चूँकि पहले जो एजेंसियाँ काम कर रही थी उन लोग इसमें बहुत लापरवाही बरते, जिसके कारण ये स्थिति देखना पड़ रहा है। जब से नई एजेंसी का चयन हुआ है, कुछ काम किया गया है, काम कर रही है और काम करती रही। कांग्रेस का सिद्धांत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कभी किसी ने भेद नहीं किया। मुझे अपने आप में फख्र होता है कि मैं ऐसे कांग्रेस पार्टी का सदस्य, कांग्रेस पार्टी का विधायक और कांग्रेस पार्टी का मंत्री बना। मंत्री बनाने के पीछे आप सब लोगों का ताकत, आप सब लोगों का विश्वास और इस प्रदेश आपके मंत्री जिनका जिनका नाम आएगा। पहली बार मंत्री बन गए, आप कैसा फील कर रहे हैं? हम लोग, मैं क्या, मेरे पूरे क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी पब्लिक, जिनका भी बहुत ही उत्साह नाम लिया जाएगा वो माननीय मंत्री जी को लेकर आएंगे और जिनका भी नाम मत के लिए लिया जाएगा वो मंच में आकर के और अपना अवसर ग्रहण करेंगे। हम लोग प्रदेश सरकार हमारी है और मंत्री जी के साथ प्रफुल्लित है ढेर सारे कार्यकर्ता। सीतापुर को यदि देखें तो सीतापुर के नाम नवानगर क्षेत्र से आए हैं।